नमस्कार दोस्तों, नेपाल क्रिकेट के युवा बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ऐरी ने युवराज सिंह, किरण पोलार्ड और यहां तक के रिंकू सिंह का 6 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास तो जरूर रच दिया है। लेकिन दोस्तों, इस पर क्रिकेट के मैदान पर सियासी जंग छिड़ चुकी है, जहां भारत के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने दीपेंद्र के इन छक्कों को छक्के नहीं माने और उन्होंने सामने कमजोर टीम और छोटा ग्राउंड बताते हुए इस खिलाड़ी के लिए कुछ ऐसे तिखे बोल डाले जिन्हें सुनकर दोस्तों आपके होश तक उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, क्या है इस खिलाड़ी के लिए सियासी जंग, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, नेपाल के इस खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह ऐरी ने कल कतर के खिलाफ एक ही ओवर में 6 छक्के लगाकर यह कारनामा किया है। और दीपेंद्र ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया है, बल्कि एक बार और ऐरी ने मंगोलिया के खिलाफ श्रीलंका में 6 छक्के लगाए थे। जी हाँ दोस्तों, यानी इस खिलाड़ी ने एक ओवर में 6 छक्के 2 बार लगाए हैं। वहीं दोस्तों, ऐसा कारनामा इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में या तो युवराज सिंह कर पाए या फिर किरण पोलार्ड, यहाँ तक कि रिंकू सिंह भी आईपीएल के इतिहास में 5 छक्के लगा पाए हैं। जी हाँ, नेपाल के इस युवा खिलाड़ी ने इन दिग्गज खिलाड़ियों के रिकॉर्ड जरूर तोड़ डाले। लेकिन दोस्तों, भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग दीपेंद्र ऐरी के इन छक्कों को छक्के नहीं मान रहे हैं। उनकी नजरों में तो ऐसा चल रहा है जैसे युवराज सिंह का रिकॉर्ड टूटा ही ना हो। जी हाँ दोस्तों, गौतम गंभीर ने छक्के लगाने वाले दीपेंद्र ऐरी के लिए ऐसा कुछ बोला। उन्होंने कहा, छोटी टीम के खिलाफ छक्के लगाना और छोटे ग्राउंड पर छक्के लगाना छक्के नहीं होते। असली छक्के तो वहाँ पर माने जाते हैं जहाँ पर दर्शकों से स्टेडियम अटकट भरा हो और सामने को इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हो, तब 6 छक्कों का मायना नजर आता है। गौतम गंभीर ने बल्कि यहाँ तक बोल डाला, कतर की पिचों पर हमारा रिंकू सिंह हर गेंद पर छक्का लगा सकता है। जैसी कतर की उछालदार पिच है और छोटी बाउंड्री है, ऐसे में हमारा रिंकू सिंह ही काफी है। जी हाँ दोस्तों, गौतम गंभीर इस खिलाड़ी के छक्कों पर हंसते हुए नजर आए। वहीं दोस्तों, भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा, भैया आपने छक्के तो जरूर लगाए हैं, पर कमजोर टीम के सामने यह कारनामा आम बात लगती है। इंटरनेशनल लेवल पर 6 छक्के लगाना उतना आसान नहीं है जितना आप मलेशिया और कतर के खिलाफ लगा पा रहे हैं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल में 6 छक्के मायने रखते हैं। जी हाँ, आपने 6 छक्के लगाए हैं, इसकी हमें बहुत खुशी है, लेकिन अभी भी हमें लगता है हमारे युवराज सिंह का रिकॉर्ड अभी नहीं टूटा है। जिस दिन इंटरनेशनल लेवल पर 6 छक्के लग गए, हम तो उसी दिन मान पाएंगे कि हमारे युवराज सिंह का रिकॉर्ड टूट चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारत के दिग्गजों ने सेंटी होकर नेपाल क्रिकेट के इस युवा खिलाड़ी दीपेंद्र ऐरी के लिए ये सब बोला है। वैसे दोस्तों, मानना तो पड़ेगा भारत के दिग्गज खिलाड़ी के लिए कोई कुछ भी कर दे, इनके सामने तो कुछ नहीं है। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है, क्या दीपेंद्र सिंह ऐरी ने कमाल की बल्लेबाजी की है, हमें आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।